हेलो फ्रेंड्स, विप्लव ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे केवीएस हो, नवोदय हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पॉलिटी की चर्चा करेंगे और पॉलिटी में भी हम संविधान की चर्चा करेंगे। संविधान, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सम मतलब होता है बराबर और विधान मतलब होता है कानून। ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, इसे ही हम संविधान कहते हैं। दोस्तों, किसी भी देश को, चाहे कोई भी देश हो, जैसे घर को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है, एक नियम की आवश्यकता होती है, वैसे ही देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है और वही कानूनी रूपी दस्तावेज हमारा संविधान है। संविधान का निर्माण कार्य संविधान सभा के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? संविधान सभा के द्वारा शुरू किया गया और इसके लिए सर्वप्रथम अस्थाई अनपरमानेंट अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और पुनः अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर संविधान के प्रारूप के लिए एक समिति बनाया गया, जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे और इनके सलाहकार बी एन राव। जी दोस्तों, इस तरह से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के कुछ भाग 1949 में ही लागू हो गया और पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आज हम उन्हीं संविधान की चर्चा करेंगे। तो अगर आप संविधान को देखेंगे तो जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान है, इन मूल संविधान में जो आर्टिकल था 395 आर्टिकल है, याद रखिएगा। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 था और अनुसूची 8 था, लेकिन अब 4 अनुसूची बढ़ गया है और हो गया है कुल 12। इनको ध्यान रखिएगा, कुल हो गया 12। आर्टिकल्स की संख्या भी बढ़ गई है, अराउंड 445 तक पहुंच गया है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा जिससे कि शुरुआती दौर के जो क्वेश्चंस हैं आपसे बन जाए। आगे जब हम चर्चा करते हैं तो हमने बताया कि 22 भाग है, 22 भाग है। अभी भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें 22 भाग ही है, ध्यान रखिएगा। और 22 भाग में हर एक भाग में कितने आर्टिकल्स हैं, उसमें क्या है, वो पूरा पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहला भाग, भाग एक, ध्यान रखिएगा, भाग एक में जो आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, आर्टिकल्स 1, 2, 4 यानी 1 से 4 तक आर्टिकल्स को शामिल किया गया है। जब हम आगे बात करते हैं कि आखिर भाग एक में क्या है, तो याद रखिएगा भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है।
यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में चर्चा है, और इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ एंड राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। आर्टिकल पहला ही कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत जो होगा एक यूनियन होगा और उसमें बहुत सारे राज्य होंगे। अभी पहले कुल 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना के दिया है, इसीलिए पुनः 28 राज्य हो गए। इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है 9, क्योंकि पहले 7 था, अब 2 हो गया, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 बढ़ गया, मतलब कि 9 कुल यूनियन टेरिटरी हो गया, जिसे याद रखिएगा। अर्थात पहला ही आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इनको ध्यान रखिएगा, पहला ही आर्टिकल कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा कहता है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, केंद्र को यह पावर है यानी केंद्र को यह शक्ति है कि वह नए राज्यों को गठन कर सकते हैं और नए राज्यों को संघ में मिला सकते हैं। यह आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, नए राज्यों का निर्माण और उसके वर्तमान क्षेत्रों में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान क्षेत्रों में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान क्षेत्रों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 कहता है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया, पहली एंड चौथी अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे कि जो क्वालिटी में जो संविधान है, मूल संविधान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसे 22 भागों में बांटा गया है, 22 भागों में बांटा गया है। और इन 22 भाग में जो पहला भाग है वो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। इसमें से आर्टिकल पहला ही कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। नए राज्यों के गठन के बाद, या फिर तीज में कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे और उनके वर्तमान क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे करेंगे, नए राज्यों का निर्माण कैसे करेंगे, वर्तमान क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे करेंगे, उनकी सीमाओं में कैसे परिवर्तन करेंगे। और चौथा कहता है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया, इसमें बताया गया है, अगर याद रखेंगे तो एग्जाम कोई भी हो एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग पहला भाग समझ गए, अब संविधान के भाग 2 की चर्चा करेंगे। संविधान के भाग दो आर्टिकल 5-11 है, यानी कि 5-11 तक, और भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह भारत का नागरिक कैसे बनेगा, या कोई व्यक्ति किस आधार पर भारत की नागरिकता उन्हें प्राप्त हो सकती है,
या किस आधार पर भारत की नागरिकता उनकी जा सकती है? यही चर्चा भारत जो हमारा टॉपिक है, भारत जो भाग दो है, इसी में नागरिकता है कि 1948 के बाद की कंडीशन को इसमें भी बताया गया है। जैसे आर्टिकल 5 कहता है कि भारत के मतलब कि नागरिकता का परिभाषा दिया गया है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वह भारत का नागरिक होगा। अर्थात इसमें जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पर नागरिकता की बात की गई है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो वह भारत का नागरिक होगा। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 5 कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, यानी कि जिस व्यक्ति का वर्ण, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान टू भारत, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति जो 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 7 कहता है भारत टू पाकिस्तान, यानी भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 8 जिस व्यक्ति का जन्म तो भारत में हुआ हो लेकिन वह विदेश में रहता, यानी कि जन्म तो भारत में हुआ हो लेकिन कहाँ रहता हो, विदेश रहता, उस कुछ कंडीशन में उस व्यक्ति को भी नागरिकता मिलेगी यदि उन्होंने विदेशी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया है या उनके माता पिता, दादा दादी में से कोई भी यदि भारत के नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 9 याद रखिएगा बहुत फेमस है, विदेशी राज्य की नागरिकता, विदेशी राज्य की नागरिकता बहुत फेमस है कि यदि आपने विदेशी राज्य कोई भी, चूंकि भारत में एकल नागरिकता है, ध्यान रखिएगा एक ही नागरिकता है, आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, भारत में एक ही नागरिकता प्राप्त है जिसे एकल नागरिकता कहते हैं। तो अगर आपने विदेशी नागरिकता, कोई भी देश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लिया है तो भारत की ऑटोमेटिक नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्या होगी, भारत की ऑटोमेटिक नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 ध्यान रखिएगा बहुत फेमस है, कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी सामान्य परिस्थिति में अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आपके नागरिकता का अधिकार बना रहेगा जब तक कि आप कोई देशद्रोह का काम नहीं किया हो, जब तक कि आप कोई ऐसा काम नहीं किया हो जो संविधान का उल्लंघन होता हो, तो इस स्थिति में नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। जो अंतिम है आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 याद रखिएगा, संसद द्वारा
द्वारा नागरिकता के अधिकारों अधिकार में संशोधन, कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह राइट है कि वह नागरिकता के अधिकार में समय समय पर संशोधन कर सके। जी हाँ दोस्त, पॉलिटी के क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में आज हमने दो टॉपिक की चर्चा की है। भाग एक, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। आर्टिकल एक जो कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल दो कहता है नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों का गठन। आर्टिकल थ्री कहता है जो नए राज्यों का गठन होता है उनके सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन। आर्टिकल चार कहता है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया, कि संसद को यह पावर है कि वह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सके। यह अनुसूची भी हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे कि पहली अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची क्या है। तो आर्टिकल एक से चार तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसी तरह से आर्टिकल पांच से ग्यारह तक नागरिकता की चर्चा है, मतलब सिटीजनशिप की चर्चा है। कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि आर्टिकल पांच नागरिकता की परिभाषा देता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा है, जिसका जन्म मूल वंश या पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता मिला हुआ है, भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल सिक्स कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आ गए 1948 के पहले, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल सात कहता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आर्टिकल आठ कहता है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी यदि उन्होंने विदेशी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया। आर्टिकल नौ कहता है कि विदेशी नागरिकता अगर आपने स्वीकार कर लिया तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि सामान्य परिस्थिति में नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। और आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अधिकारों में संशोधन कर सके। 1956 में भी नागरिकता अधिकार में संशोधन हुआ है, 1986 में भी संशोधन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो अगले क्लास में हम फंडामेंटल राइट की चर्चा करेंगे, आखिर मौलिक अधिकार है क्या, आखिर फंडामेंटल राइट है क्या, और फंडामेंटल राइट में प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्त है और किस रूप में प्राप्त है और इनकी प्रसिद्धि क्या है, इन्हीं की चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।